सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस एस ढाका है। आज बात करते हैं जो इस समय आपके खेतों में गेहूं की फसलें खड़ी हुई हैं उनके बारे में क्या सावधानी लेनी है। तो मैं आज इस ऐसे खेत के बीच में खड़ा हूं जिसमें कि अभी गेहूं में बालियां नहीं निकली हैं, तो इस समय क्या सावधानी है जो हमें इस खेत में रखनी चाहिए। एक तो ये देखें कि जैसे अभी इसमें नीचे थोड़ा सा नमी कम हो रही है तो ये सही समय है कि अब इसमें पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी जब इसमें बाली निकलने लगेंगी तो उस समय अगर मॉइस्चर या पानी की कमी होगी तो पैदावार कम हो सकती है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि इस समय जैसे खेत में ये बाली निकलने की अवस्था प्रारंभ होने वाली है और ये जो निकली हुई है इसे कहते हैं झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ। इस झंडा पत्ती को बहुत स्वस्थ रहना इस समय आवश्यक है। यदि ये झंडा पत्ती स्वस्थ नहीं होगी तो ऐसे खेत में स्वस्थ बालियाँ भी नहीं आ पाएंगी। तो इसके लिए ये जो अभी समय है इस समय आप एक स्प्रे इसमें जो 0.5234 NPK आता है 1 किलो प्रति एकड़ की दर से उसे 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करें, और साथ में एक आप 100 ग्राम बोरोन भी इसमें मिला सकते हैं और ये स्प्रे कर सकते हैं। तो ये स्प्रे अब इस टाइम किया जाएगा तो झंडा पत्ती बहुत स्वस्थ रहेगी, खेत में जो थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है ये भी दूर हो जाएगा और आपकी गेहूं की अच्छी स्वस्थ फसल होगी। तो इसके बाद अगले हफ्ते इसमें क्या बात करनी है ये अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर कोई और आप सुझाव देना चाहते हैं या कुछ आप इसके बारे में और जानकारी और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।